के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सीआरपीएफ की सुरक्षा में पहाड़िया मंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया ईवीएम मशीन, पुलिस कमिश्नर व डीएम ने किया निरीक्षण। लंका थाना क्षेत्र के बजरंगनगर क्षेत्र में बेटे के इलाज को लेकर अस्पताल में रुके शिक्षक दुर्गेश के घर लाखों की चोरी। बड़ी बाजार क्षेत्र में आयोजित हुआ गाजी मियां का मेला, आस्थाने पर अकीदतमंदों की उमड़ी भारी भीड़। और हिंदू युवा वाहिनी एवं त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने गुरु गोरखनाथ मठ में की बैठक। और समाचार विस्तार से। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के समाप्त होने के पश्चात वाराणसी संसदीय क्षेत्र की सारी ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहाड़िया मंडी में रखी गई हैं। वाराणसी से देश के 57 संसदीय सीटों पर सातवें चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गया है। मतगणना 4 जून यानी 2 दिन बाद होगी। वाराणसी में मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित पहाड़िया मंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में पूरा स्ट्रांग रूम है। मंगलवार को होने वाली काउंटिंग को लेकर रविवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल व जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम एस राजलिंगम ने पहाड़िया मंडी स्थित नवीन मंडी स्थल पर बने स्ट्रांग रूम और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, सारे स्ट्रांग रूम CPMF की सुरक्षा में रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम सील है, उन्हें टच नहीं किया जाएगा। काउंटिंग की तैयारियां दूसरी तरफ स्थित हॉल में की जा रही हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि यहाँ की सुरक्षा के लिए हर स्ट्रांग रूम पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स को CPMF समय समय पर ले जाकर निरीक्षण करवाती रहेगी, ताकि वो अंदर से जाकर निरीक्षण कर सकें और CCTV के माध्यम से भी देख सकेंगे। डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है, उसे पूरा किया जा रहा है, और यदि किसी प्रत्याशी की कोई दिक्कत है तो उसका समाधान भी किया जा रहा है। 4 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे से मतगणना होगी। इसके लिए सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा का एक चक्रव्यूह यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें एक इनर गार्डन, एक मिडिल गार्डन और एक आउटर गार्डन। इनर गार्डन में हमारी पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, आउटर गार्डन में PAC के जवान अधिकारी रहेंगे, और मिडिल गार्डन और आउटर गार्डन में सिविल पुलिस रहेगी। 200 मीटर पूर्व भी जितने भी एजेंट्स यहाँ पर आएंगे, उनको अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क करने के लिए बैरियर लगा होगा। 200 मीटर उनको पैदल चल के आना होगा। मोबाइल मतगणना केंद्र के अंदर अलाउड नहीं है। यदि कोई अपना मोबाइल लेकर के आएगा तो उसको मतगणना केंद्र के बाहर उसको रखना पड़ेगा। इसी तरह से कोई हथियार, कोई भी माचिस या ज्वलनशील पदार्थ मतगणना केंद्र के अंदर अलाउड नहीं है। इसके लिए यहाँ DFMG लगाई जा रही है, प्रॉपर टेस्टिंग चेकिंग होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का विजय जुलूस मतगणना के बाद अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर CCTV कैमरे और वीडियोग्राफी लगातार हो रही है। इसके अलावा राउंड द क्लॉक हमारे बेस्टेड अफसर यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, और पूरी तरह से एक अवैध सुरक्षा का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। देखिए, गेट नंबर 1 जो मंडी का है, वहाँ से जितने भी मतगणना कर्मी हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, वो मीडिया की एंट्री गेट नंबर 1 से होगी। और गेट नंबर 3 से जो राजनीतिक दलों के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, वो गेट नंबर 3 से प्रवेश कर पाएंगे। सर, अभी वर्तमान में ईवीएम की सुरक्षा के लिए कितने सुरक्षा की गई? देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री लगी हुई है। यहाँ पर 3 गजेटेड ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा लगभग 100 की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। बड़ी बाजार में गाजी मियां के आस्थाने पर रविवार को अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी बाजार क्षेत्र स्थित गाजी मियां के आस्थाने पर रविवार को अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यहां मेला सदृश रहा। दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन हाजी एजाजुद्दीन हाशमी ने बताया कि सदियों से हर साल धूमधाम से बारात निकाली जाती है, सारी रस्में भी अदा होती हैं, लेकिन गाजी मियां की शादी नहीं हो पाती। इस लक्खी मेले में मुस्लिम और हिंदू दोनों वर्ग के लोग अकीदत से शामिल होते हैं। उधर गाजी मियां के शादी में आंधी पानी आने की बात को आज सुबह आई तेज आंधी को अकीदतमंद इसी से जोड़ रहे हैं। बाबा की नगरी में माना जाता है कि 3 दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले में एक दिन बारिश होती है। इसी तरह गाजी मियां की शादी में आंधी आती है, ऐसा बड़ी बाजार और आसपास के पुराने वाशिंदे बताते हैं। मुतवल्ली ने बताया कि जहां जायरीन फज्र की नमाज से पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला देर रात तक रहेगा। इसके अलावा मौके पर मेला लगाया गया है। इस मेले में दूर दूर से दुकानदार आए हुए हैं। मुतवल्ली सिराजुद्दीन ने बताया कि गाजी का मतलब बहादुर होता है। गाजी मियां बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत में कई जंगें की। उन्होंने अमन पसंद लोगों का साथ दिया और जो लोग शांति के साथ नहीं थे उनका कत्ल किया।
वहीं जानकारों की माने तो गाजी मियां गजनवी की सेना के सिपहसालार थे और 12वीं शताब्दी में भारत आए और हमला किया। कहा जाता है कि 1024 में महाराजा सुहेलदेव से लड़ाई के दौरान गाजी मियां घायल हो गए, बाद में उनकी मौत हो गई। उनकी याद में हर वर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से ये मेला मंसूब है। इस मेले का सबसे बड़ा जो राज है, जो आज तक कोई कहीं नहीं है किसी मेला या किसी और भी पर, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हर मजहब और धर्म के लोग आते हैं और अपने अकीदत के फूल निछावर करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि गाजी सरकार हमारी आपके तवज्जुह से वसीले से हमारा ये काम हो जाए और अल्लाह के फजल व करम से उनका काम बन जाता है। अशोकपुरम कॉलोनी के बजरंग नगर में एक शिक्षक के घर में ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी के पिछले तरफ बजरंग नगर में शरद पांडे के मकान में किराए पर रहने वाले शिक्षक डॉक्टर दुर्गेश सिंह के घर बीती रात बंद घर में घुसे चोरों ने नकदी और जेवरात उड़ा दिए। घर में चोरी होने की जानकारी रविवार की सुबह होने पर दुर्गेश ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर लंका पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन कर वापस लौट गई। चोर घर की अलमारी तोड़कर 60,000 रुपये नकद और 6,00,000 का जेवरात उठा ले गए। दुर्गेश सिंह के बेटे की पिछले 15 दिनों से तबीयत खराब है। उसका भेलूपुर इलाके के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चों की तबीयत शनिवार को ज़्यादा बिगड़ने पर दुर्गेश उसकी पत्नी अस्पताल में ही रात में रुक गए। इस दौरान चोरों ने घर के पश्चिम तरफ स्थित दरवाजे का लॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया। रविवार की सुबह दुर्गेश और उनकी पत्नी के घर पहुंचने के बाद मामले की जानकारी हुई। दुर्गेश सिंह जौनपुर शहर के रहने वाले हैं, जौनपुर में ही शिक्षक भी हैं। बेटे को पढ़ाने के लिए पिछले 2 साल से बजरंग नगर में किराए पर पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। बता दें कि चोरों ने विगत दिनों इसी कॉलोनी में रहने वाले पूर्व बैंक कर्मी के घर से भी 60,00,000 रुपये नकद उड़ाए थे। कॉलोनी में लगातार चोरी घटना बढ़ने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। मैं विगत 15 दिनों से अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चेतमढ़ी चौराहे पे पीस पॉइंट हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरा बच्चा है तो हम यहाँ से अप डाउन करते हैं, आते जाते रहते हैं। कल मेरे बच्चे की तबीयत 1/6/2024 को मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं सुबह यहाँ से 10:30 बजे अपने पत्नी के साथ हॉस्पिटल गया, फिर रात में मैं वापस नहीं आ पाया क्योंकि बच्चे की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उस कारण मैं घर पे नहीं आ पाया। मेरे साथ जो भी थे हॉस्पिटल में रुक गए और सुबह जब मैं यहाँ पे आया 6:30 बजे अपने पत्नी के साथ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। मैं अंदर आया तो देखा अलमारी का ताला टूटा है, लॉकर जितने भी थे लॉकर टूटे हुए हैं, उसके अंदर जो भी सामान रखे हुए थे गहने रुपए जो भी थे सब उठा ले गए। क्या क्या गहने में रखे हुए थे? गहने में मेरे पत्नी का मंगलसूत्र, उनका चैन, मेरा चैन, पत्नी का 2 बाली, एक बड़ा झुमका और एक छोटा झुमका, और मेरी बिटिया का पायल, पत्नी का पायल, बिछिया, मेरी एक अंगूठी, मेरे पत्नी का एक डायमंड अंगूठी, इतने सामान जो मतलब उसमें जो जानते हैं। अभी तो मैं कुछ उसमें देखा नहीं हूँ, टच नहीं किया हूँ कि उसमें बाकी क्या क्या गया है। नहीं बात की जाए अगर अनुमानित कीमत की तो कितने की मतलब 60,000 लगभग नगद गए हैं। मेरे रिबैन के 3-4 चश्मे जो महंगे थे 12-12, 14-14 हज़ार के चश्मे, वो ले गए हैं और अनुमानित लागत लगभग 4 लाख से आसपास होगी, उससे कम नहीं। एग्जिट पोल में मोदी सरकार के हैट्रिक लगाए जाने के अनुमान के चलते नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर आभार जताया। लोकतंत्र के महायज्ञ लोकसभा चुनाव में भारत के समस्त एग्जिट पोल द्वारा मोदी सरकार के जीत की हैट्रिक लगाए जाने पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर आभार जताया। अपने अमूल्य मत की आहुति देने वाले प्रत्येक सम्मानित मतदाता का अभिनंदन भी प्रकट किया। गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर मां गंगा का पूजन किया गया। बताते चले कि पीएम मोदी ने कहा है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता को संस्कार में शामिल करने के पीएम मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए गंगा तलहटी की सफाई की, लोगों से गंगा और उसके सहायक नदियों में गंदगी न करने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम में बाबा विश्वनाथ, मां गंगा व जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह नतीजे भी एग्जिट पोल की तरह हों, हमने मां गंगा की आरती उतारकर यही आशीर्वाद मांगा है।
आयोजन में उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा नई दिल्ली के अधिकारी अथर्व राज पांडे ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के द्वारा हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा निर्मलीकरण के संकल्प को पूरा करना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अथर्व राज पांडे, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, प्रीति जायसवाल, पंकज अग्रहरी, सोहन सिंह, नेहा पूरी लवली व जनता जनार्दन उपस्थित रहे। हमने बाबा विश्वनाथ से और माँ गंगा से यह प्रार्थना की है कि हम एग्जिट पोल का जो परिणाम आए निर्वाचन आयोग द्वारा, वह भी निर्वाचन आयोग का जो परिणाम आए वह भी एग्जिट पोल के मुताबिक हो, यह हमने माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा है। और दशाश्वमेध घाट के इस पौराणिक तट से माँ गंगा से मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व के लिए आशीर्वाद मांगा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Of Jeevandeep Mahavidyalaya, I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya, I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya, I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. Sach ke saath. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोलघर कचहरी में रोजेयर नाम के नवीनतम खान पान रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। माँ अन्नपूर्णा व बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से गोलघर कचहरी स्थित नवीनतम रोजेयर प्रतिष्ठान का रविवार को मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय मुख्य ट्रस्टी काशी विश्वनाथ मंदिर ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने रोजेयर प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता दिलीप गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान काशीवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी अच्छे प्रकार के व्यंजन जिसमें मिठाइयां, बेकरी, चाट एवं चाइनीज आइटम भी एक छत के नीचे मिल सकेंगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अधिष्ठाता दिलीप गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ मिठाइयों में विशेष कोको एम काशीवासियों को लुभाएंगे। उन्होंने कहा कि मिठाइयों के रेंज में काजू कतली, काजू गुलाब, छेना खीर, छेना पायस, पिस्ता रोल, काजू बास्केट, काजू गुजिया, काजू पान प्रमुख है। वहीं बेकरी में पेस्ट्री, पाइनएप्पल, रेड वेलवेट, चॉकलेटी पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट बटर स्कॉच है। वैभव गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ चाइनीज एंड चाट के आइटम भी अधिक मात्रा में रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से दिलीप गुप्ता, गणेश गुप्ता, वैभव गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, रूप गुप्ता, शिवानी गुप्ता, सोनी गुप्ता, जिया गुप्ता, सौरभ गुप्ता, रितेश, पवन, रामाधीन सिंह, संतोष सिंह, चंचल दुबे, महंत महाकाली धाम बिलारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मिठाइयों की दुकान तो मैंने बहुत सारी देखी, पर तो जितनी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, विविधताएं हैं मिठाइयों में, मुझे लगता है कि काशी की सबसे बड़ी दुकान यही है जो कि इतनी विविधताएं हैं मिठाइयों में। और लोग यहाँ ज़रूर आएंगे और खा करके वो आनंदित भी होंगे और लोगों से उसकी प्रशंसा भी करेंगे कि वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। और मैं तो यहाँ बहुत पहले से भी आता रहा हूँ, जब यहाँ पूरी कचौड़ी सब्जी मिला करती थी वो भी मैंने दिन देखा है। और ये इनके बेटे जो हैं, इन्होंने बहुत ही श्रम किया, दिलीप जी के बेटे जो हैं बहुत ही श्रम से और बड़े ही जिसे कहें दूरदृष्टि वाले हैं, दूरदर्शिता के कारण ही से इतनी बढ़िया दुकान ये बनी है। और मुझे लगता है कि काशी में इसकी एक बहुत ही प्रतिष्ठा रहेगी, यही भगवान विश्वनाथ जी से मेरी प्रार्थना भी है कि बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान बने। एग्जॉटिक मिठाई और बेकरी में डील करेंगे और अपना एक फैंसी रेस्टोरेंट आने वाला है बहुत जल्दी। और यही सब आपका एक हमारा क्या कहेंगे उद्घाटन के अवसर पे? ये कहेंगे कि आउटलेट पे आके कुछ एक डिफरेंट फील आएगा। हमारा यहाँ का जो मेन स्वीट है वो कोकोयम है, ये आइए और टेस्ट करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भूमाफियों पर कसा जा रहा शिकंजा नाकाफी साबित हो रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया बेखौफ होकर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं।
कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है लंका थाना अंतर्गत रमना चौकी का, जहां के निवासी भोलेनाथ ने बताया कि हम मौके पर जमीन पर काबिज हैं, लेकिन वहीं के निवासी कुछ लोग जबरदस्ती जमीन को घेर रहे हैं। पुलिस के द्वारा हम रमना चौकी गए थे, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हमने 112 नंबर डायल किया, उन्होंने भी आकर कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग लंका थाना पहुँचे, उसके बाद भी काम नहीं रुका। बहुत प्रयास करने के बाद काम को रुकवाया गया। साथ ही यह हिदायत दी गई कि आप 15 दिन के अंदर अगर अपनी ज़मीन की नापी नहीं करवा लेते हैं तो हम लोग मौके पर पहुंचकर फोर्स के साथ जबरदस्ती ज़मीन पर बाउंड्री करवा देंगे, ऐसा SHO साहब ने कहा है। जो रक्षक हैं वही भक्षक हो जा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो मेरे ज़मीन को कुछ दबंग लोगों ने कल नाइजर लोग सुरेश यादव, मनोज यादव और संपूर्णानंद, ये लोग ज़बरदस्ती जो है एक बार नहीं 3 बार आकर हमारी ज़मीन पर कब्जा करने कर रहे हैं, और हम जो है बार बार 112 की जब बुलाते हैं तो काम रुक जाता है, और वहाँ से चौकी प्रभारी वहाँ से बेजबरी कर देते हैं, भगा देते हैं। फिर मैंने लंका SHO से कहा तो इन्होंने रोका, और इन्होंने हमारे ज़मीन को इतने दिन तक 14-15 दिन तक रोकने के लिए कहा है कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं कागज़ पत्र कुछ करते हो या नपवाते हो तो मैं इन लोगों को घेरने दूंगा। मेरा पेपर सही है सर जी? मेरा पेपर एकदम ओके है सर, और खतौनी मेरे पास है, सब कुछ है सर जी, फिर भी ये लोग जबरी कर रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? सर प्रशासन से यही मांग करेंगे कि राजस्व विभाग को सौंप कर हमारे ज़मीन की सुरक्षा की जाए। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में दावते जायका नामक नॉनवेज रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। बनारसी साड़ी, बनारसी पान, लंगड़ा आम के बाद बनारस खान पान के लिए भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। अभी तक तो हम लोग शाकाहारी भोजन की ही बात करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मांसाहारी व्यंजनों की भी एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का रेस्टोरेंट रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में खुला है। दावते जायका के नाम से खुले इस नॉनवेज रेस्टोरेंट में हर प्रकार के आइटम मिलेंगे। इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ रविवार को प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर रेस्टोरेंट के संचालक अब्दुल्ला भाई ने मुख्य अतिथि सहित आए अतिथियों का स्वागत किया। अंत में धन्यवाद रेस्टोरेंट के सह संचालक अरबाज ने किया। इनमें आप मतलब पूरी तरीके की फैसिलिटी है, कस्टमर्स जो भी आएंगे मतलब उनको टेस्ट अच्छा ही मिलेगा, अपनी पूरी कोशिश है। जो जायका दिया गया है, जो हमारा नाम है दावते जायका, जो टेस्ट है मतलब सबसे डिफरेंट चीज़ जो रखी गई है बनारस में, पहली बार अरेबियन डिश रखी गई है तरह तरह की, मतलब कि बिरयानी से लेके चिकन मटन से लेके सभी आइटम्स हैं, और उस पर मल्टी जैसे कि देखा जाए तो वेजिटेरियन भी रखा गया है, ताकि और भी जो नॉनवेज नहीं लाइक करते हैं, जो वेज भी लाइक करते हैं, वो भी उनका भी मोस्ट वेलकम है हमारे रेस्टोरेंट में। कहना क्या है, ये काशी की फूड लेन है रविंद्रपुरी, और इस लेन में आपने देखा कि आज एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। काशी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐसी नगरी है वर्तमान में जहाँ इतना अधिक पर्यटक दर्शनार्थी, तो सबको एक खाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए। आपने इस कॉलोनी की शुरुआत से आखिरी बिंदु तक देखिए तो आपको दर्जनों बड़े रेस्टोरेंट, छोटे दुकानें, तो ये हब है, बनारस कह सकते हैं ये फूड का हब है। उसी में आज ये जायका रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। हमारे मित्र हैं भाई रवि मिश्रा, अर्पित पाठक जी, और उनके मित्र हैं अब्दुल्ला भाई, तो सब लोगों ने मिल के आज इस प्रतिष्ठान का निर्माण किया है, जिसमें आज आने का अवसर मिला। रविवार को गुरु गोरखनाथ मठ केंद्रीय कार्यालय में हिंदू युवा वाहिनी महानगर की बैठक आहूत हुई। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी एवं त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के नेतृत्व में रविवार को गुरु गोरखनाथ मठ केंद्रीय कार्यालय में महानगर की बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी 5 जून को परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के 52वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 400 प्लस कार प्रदान का कार्यक्रम तय किया गया है। इस अवसर पर मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, विनय चौरसिया, उमेश सिंह, गप्पू सिंह, रौनक राय, दिनेश, अश्विनी गुप्ता, सौरभ सिंह, अंशुल तिवारी, विकास जैन एवं समस्त 12 मंडल इकाई के पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। और हम 400 पार परम पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पे करेंगे, 400 यूनिट रक्तदान करके हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।